आज की सांस्कृतिक संध्या की मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार व हम सभी के मार्गदर्शक माननीय दत्तात्रेय होसवाले जी, जिनके कारण हम सब एकत्रित हुए हैं। देश के पुरधन सांस्कृतिक व्यक्तित्व, राज्यसभा की सदस्य, IGNC की भी सदस्य परम आदरणीय सोनाल मानसिंह जी, IGNC के अध्यक्ष, देश के वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ चिंतक आदरणीय राम बहादुर राय जी, अन्यतम अतिथि मेरे साथी केंद्रीय संस्कृति राष्ट्र मंत्री, संसदीय विभाग के भी राष्ट्र मंत्री आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित देश की प्रतिष्ठित सांस्कृतिक व्यक्तित्व समूह, भाई और बहनों, पत्रकार साथीगण, मैं डर से पहले आदेश आने के पहले आ गया। आदरणीय सोनाल जी का निमंत्रण था राम कथा संबंधित कार्यक्रम को देखने के लिए, उन्होंने अवसर दिया दो शब्द बोलने के लिए। एक लिहाज है, दो शब्द ही कहा जाता है, दो शब्द तो होते नहीं। 34 साल के बाद देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जिस नीति में, मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी तक हमारे देश की जो व्यवस्था आजादी के उपरांत चला है वो कोई पर्याप्त नहीं है, लेकिन कोई भी व्यवस्था समय के हिसाब से जितना अच्छा हो सकता है, सर्वोत्तम हो सकता है, समाज की बोध बढ़ा सकता है, समाज की ज्ञान बढ़ा सकता है, उतना ही भविष्य के लिए उपदेयी होती है। ऐसे ही 34 साल के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें मैं इस बीच में पिछले 10 महीना में उस किताब को 3 बार पढ़ा हूं, पहले भी एक राउंड पढ़ा था, लेकिन वो समझ अभी उसकी मैं रोज बढ़ा रहा हूं। मैं आज इस कार्यक्रम में इस विषय को उल्लेख इसीलिए कर रहा हूं, मैं आपसे कुछ मदद मांगने आया हूं। आदरणीय सोनाल मानसिंह जी से कुछ चर्चा हुई है, इस शिक्षा नीति में दो विषय पे महत्व दिया गया है जिसमें आपके साथ संबंध है। इसको आधुनिक बनाना है लेकिन जड़ के साथ जोड़ते हुए, रूटेड एंड मॉडर्न, ये दो नीति है इस शिक्षा नीति के। जब तक हम रूटेड की बात कहते हैं, जड़ से जुड़ने के लिए बात कहते हैं, जब तक भारतीय भाषा, भारतीय मूल चिंता, भारतीय विचारधारा को जोड़ने के लिए नृत्य संगीत के आधार पे उसको नहीं जोड़ेंगे, शायद हम भारत की चित्त मानस को स्थापित करने में और समझने में दिक्कत होगा। अब तक पढ़ाई में संगीत को और नृत्य को एक एक्स्ट्रा करिकुलर विषय करके रखा गया, हम लोग पहली बार देश में संगीत और नृत्य को क्लास 9-6 से लेके फॉर्मल करिकुलम में लाने की व्यवस्था किया जा रहा है, और 12वीं तक एक विधिवत जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, लिटरेचर, लैंग्वेज की कोई शब्द अपने चॉइस से विद्यार्थी ले सकता है, ऐसे ही अभी चॉइस बेस्ड करिकुलम की हम लोग कल्पना कर रहे हैं, कुछ विद्वान उसी विषय पे लगे हैं, लेकिन इस वर्टिकल की डिटेलिंग आप जैसे महानुभवों से आवश्यकता है, इसमें क्या होनी चाहिए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। दो विषय और हमने इस बार शिक्षा नीति में प्रयास किया जा रहा है कि ये सारे के ऊपर नंबर तो मिले, लेकिन नंबर मिलने के साथ एक नया क्रेडिट फ्रेमवर्क भी आए,
अब हमारी घरों में जिनको कुछ नहीं होता है उसको नाच गाना ही करना चाहिए, ऐसा एक धारणा बनी है। इतना पवित्र काम को, इतना समाज को सहज से समझाने वाले काम को हमने एक सेकेंडरी काम के रूप में, तथाकथित पढ़ाई को हमने प्राथमिकता दिया है, इसको थोड़ा सेकेंडरी काम माना है। उसको भी नंबर्स के साथ, कोर्स पैटर्न के नंबर के साथ, उसको क्रेडिट मैकेनिज्म पे, क्रेडिट फ्रेमवर्क में भी हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी एक सघन चर्चा चल रही है। मैं ऐसे ही कल्पना कुछ मित्रों को अभी कहा कि कोई गांव में रहने वाला व्यक्ति 8 स्टैंडर्ड तक पढ़ के गांव के स्कूल में 8वीं तक पढ़ के अगर गांव की नृत्य नाटिका की कामों में लग गया है, मैं सोनाल जी शायद इस शब्द को समझ पाएंगे, मैं जानता नहीं, मैं आप इस विषय को समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा। उड़ीसा में सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए समाज की इन गर्मियों के दिनों में महाप्रभु शिव जी की दलित समाज एक उत्सव मनाता है, उसको दंड नाच कहा जाता है। विशेष करके समाज के नीचे तबके के लोग जिनको तथाकथित हम अस्पृश्य मानते हैं, कुछ लोग उन लोगों के नेतृत्व में समाज को, वो भगवान जी को लेके समाज में जाते, तो समाज में एक भाईचारा सौहृदय भाव खड़ा करने की प्रयास हमारी सदियों से चली है। ऐसे नृत्य करने वाले लोगों को क्या हम क्रेडिट फ्रेमवर्क में डाल सकते हैं, इसकी चर्चा चल रही है, उसको हम करने वाले हैं। धीरे धीरे हमारी परंपरागत, जब हम कहते हैं भारतीयता लाना है, शायद यही एक रास्ता हो सकता है, हमारी परंपरागत संगीत नृत्य को डिग्री और उसको कैरियर पाथवे में एक स्ट्रक्चर मददगार करने की कोशिश हम करने वाले हैं। इसमें आप लोगों की मार्गदर्शन चाहिए, आप लोगों की परामर्श चाहिए। मैं सोनाल जी की इस कार्यक्रम की अवसर पे आप सभी को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शुभेच्छा देते हुए, मेरे विषय को रखने का आपने सोनाल जी ने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का शुभेच्छा सफलता।